लेते हैं जी चल, एकदम खरगोश जैसे बच्चे उछल कूद चालू रहती है, खेलते रहते हैं। जैसे इसका एक चेहरा है जी। और एक और आगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें ताकि आप लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचे। अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊं तो मेरे ख्याल से अभी बज रहा है रात का 10, अवेश भाई है ना जी। और अभी हम लोग आप देख सकते हो शूट कर रहे हैं। हम लोगों का डे टाइम, नाइट टाइम, कोई भी टाइम मायने नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुड वर्ल्ड। दोस्तों आज हूँ मैं नागपाड़े पे और कवर करने आया हूँ उवैस भाई के कलेक्शन की। बट उसके पहले हम लोग मुलाकात करेंगे समीर भाई से, जिनको आप सब जानते हैं एमएसकी व्लॉग्स। तो आइए उनसे पहले मुलाकात कर लेते, एक छोटी सी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रईस भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आज शायद फर्स्ट टाइम अपनी मुलाकात हुई है ना उवैस भाई की, बदौलत ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और काफ़ी मतलब है ना इनके अंदर भी बहुत चाहत है आगे बढ़ने की। ये आप माइक देख रहे हो, मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की ये माइक को हासिल करने के लिए। 6 महीने लगे माइक इनके पास आने के लिए। हर कोई नहीं बताता है ये चीज़ें, लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं भी हो रही है मेरे साथ में, वो चल रही है कंटिन्यूसली। तो ऐसे लोगों को, मेरे को, मेरे जैसे लोगों को और मेरे आगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें ताकि आप लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचे। अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊं तो मेरे ख्याल से अभी बज रहा है रात का 10, अवेश भाई है ना जी। और अभी हम लोग आप देख सकते हो शूट कर रहे हैं। हम लोगों का डे टाइम, नाइट टाइम, कोई भी टाइम मायने नहीं रखता। हम लोगों को सिर्फ लोगों तक कंटेंट पहुँचाना है और क्वालिटी कंटेंट पहुँचाना है। तो इस हिसाब से आज हम लोगों ने सोचा कि कोलेब्रेशन वीडियो बनाएंगे, और मैं अपना इंट्रोडक्शन इनके वीडियो पे दे रहा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरे फॉलोवर हैं, इनके चैनल को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाए चैनल को। गोटवल इनका नाम है चैनल का, और रईस भाई चैनल के ओनर का नाम है। रईस भाई आप स्क्रीन पे नहीं आते हो क्या? आते हो ना, तो ठीक है। रईस भाई भी काफ़ी टाइम स्क्रीन पर आए हैं, तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं चैनल कैसा है, ठीक है? तो गाइस आगे कंटिन्यू करेंगे उवैस भाई के साथ इनके बकरों की डिटेल वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हर बार दिखते हो कुछ नई क्वालिटी के साथ जी। जो चीज़ है मैं सोचता हूँ कस्टमर को दिखाने के पहले मैं क्यों नहीं ले लूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ इस बार लेके आए हो आप, काफ़ी रेयर चीज़ है। एग्जैक्टली ये बैंडम है या और कोई ब्रीड है? बैंडम है भाई, बैंडम ही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट बॉडी नज़र आ रहे हैं। ये लिलीपुट में भी है, बैंडम एकदम शॉर्ट हाइट में है। और मेन इन लोग का कमाल भाई इनके बाल है। अच्छा, बाल जो आएंगे ना, थोड़ा सी टाइम गुजरने के बाद बाल अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे जी। चेहरे पे बफ आएगा, बहुत अच्छे हो जाएंगे माशाल्लाह बच्चे। कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और अभी ये कितने महीने के होंगे उवैस भाई? ये 6 से 7 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। 6 से 7 महीने के। और ये बॉम्बे में ये ब्रीड जल्दी नज़र नहीं आती है जी भाई, क्योंकि असल में ना ये पूरी ब्रीड जो संभाले है बेंगलोर वालों ने। अच्छा, बेंगलोर में ही पूरी ब्रीड होती है ये। तो अभी ऐसा हो गया कि बेंगलोर की ट्रेन बंद हो गई है, और एक जानवर का नॉर्मल कॉस्ट 3,500-4,000 ऐसा मांगते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, सबको परवड़ नहीं पाता बराबर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना थोड़ा सी मामला सेट हो गया तो अपने मंगा लिए। सो प्रॉपर बैंगलोर से ही आया है और आज बैंटम बैंगलोर से माना जा रहा है, क्योंकि वो बंदे को मैं कम से कम 10 महीने से फॉलोअप ले रहा था। उसके घर पे ही ब्रीडिंग सेटअप है, वो बंदा खाली शौकीन है, वो ट्रेड नहीं करता, खाली शौक करता है। अपनी घर, उसका घर है, घर के ऊपर टेरेस पे रख के ब्रीड कर रहा है। मैं चले इसके ब्रीडर का फोटो भी आज शेयर करूंगा। अच्छा, उसी के बच्चे। सो आपने वो ब्रीडर देखा है तब जाके ये लिया है? आपने कितने महीने के हो गए बताइए? 6 से 7 महीना। 6 से 7 महीना। तो जैसे जैसे ये साल भर क्रॉस करेंगे जी, इसमें काफी चेंज आ जाएगा, इनके बाल वगैरह बड़े होंगे, बिल्कुल भाई रुबाब आ जाएगा, बॉडी लाइन थोड़ा चेंज वो हो जाएगी। इसका जो आप फोटो जब आप डालोगे ना इसके ब्रीडर का, वो लोग देख के समझ जाएंगे। ओके, सो वीडियो में हम वो भी डाल देते हैं जी। चल एकदम खरगोश जैसे बच्चे उछल कूद चालू रहती है, खेलते रहते हैं। जैसे इसका एक चेहरा है जी। और एक और बैंडम है, वो अल्पाइन कलर में। अच्छा, इंशाल्लाह ये जगह पे आ नहीं पाया,
कल तक के इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा, और उसकी भी फोटो आपको शेयर कर दूंगा, वो भी डाल देना रीजनेबल रेट में वो भी। ओके सो हर वीडियो में आप एक चीज बोलते हैं, आज मैं बोल देता हूँ कि जो शौक करता है दिल से, जिसको क्वालिटी का काम करता है, उनको ये चीज पसंद आएगी बिल्कुल। सो आपके प्राइस बताने के पहले ही मैंने ये चीज बताया हूँ जी कि अंदाजा आप इसका क्या डिमांड कर रहे हैं भाई? भाई 18,000 कोट कर रहे हैं, 18,000 नग के हिसाब से जी। आप करीब से देख सकते हैं माशाल्लाह कि मैं इनका दिल कर रहा है कि बस देखते ही जाऊं उनको भाई, एक चीज खेलता जाऊं। लोग बोलते हैं कि 18,000 मांगा इतने छोटे बच्चे का, लेकिन मांगा ना आप भी तो कुछ मांगो, लेकिन वाजबी मांगो, 18 के 8 मत करो, लेकिन हिसाब किताब में मांगो कि देने मजा आवे। एंडा कुछ चीज आवे तो पहले आपको पर्सनल में डालू, बाद में वीडियो बनवाओ। सही बात है, रिलेशन बने तो इतना कुछ हो ही नहीं, पहले ही रिलेशन बन जाए कि यूट्यूब के पहले ही वो सेल हो जाए। ये नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल है भाई, इसमें अच्छा खासा नेगोशिएबल कर दूंगा। अच्छा, और इसके अलावा ये लास्ट टाइम हमने वीडियो में डाला है ना? जी भाई, ये दोनों वीडियो में डाले थे, वो असल में लोगों के कॉल भी आए, लोगों ने पैसे भी कम लगाए, और दूसरी बात जो देखने आने वाले लोग हैं दूर से, जो थाना वाले हैं या पालघर वाले हैं, उन लोग के लिए मैं दिन में अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ बराबर, और उन लोग को आना है दोपहर के ही टाइम पे, और संडे को भी नहीं आना है, तो मैच नहीं हो पा रहा है जी, टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा है ना। चीज़ तो बिकने वाली है, इंशाल्लाह बिकेगी उसके टाइम पे। वैसे हो सकता है कि लास्ट वीडियो कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा जी भाई, सो एक बार और डिटेल बता देते हैं ये दोनों की। डिटेल भाई, ये दो दांत कर रहा है, ये चार दांत पे है, ये चार दांत पे है जी जी। ये तो बैंटम है, ये कि ये क्लिक इसके साथ बरबरा है, यमनी बरबरा बोलेंगे इसको, जो बाल है इसके ये यमनी वाले बाल है, यमनी बाल है, अच्छे गरम जानवर है दोनों। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने जो प्राइस डाला था जी 17,000 डाला था। ओके सो इस बार आप इनका एक फिक्स प्राइस बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि इसमें प्राइस या फिर, यानी मैं हमेशा कई मूड में आ जाता हूँ, तो एक डायलॉग बहुत ईद पे मशहूर हुआ था जी, भाई इतने में दूंगा वरना काट के खा जाऊंगा, 12,000 में दूंगा वरना काट के खा जाऊंगा। तो आपने एकदम ओपन कर दिया प्राइस के 12,000, इसके नीचे कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फोन नहीं करे 12,000 के लिए बिल्कुल। और एक बार और क्वालिटी देख लीजिए, अगर वीडियो में जिनको क्वालिटी नहीं समझ में आ रही है, वो और भी फोटोज वगैरह भाई से व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं जी जी। सो वेश भाई, ये जगह एक बार बता दीजिए कहाँ पर है? जगह भाई सुरती मोहल्ले में, मदीना अनवर होटल के बिल्कुल पीछे जी जी, वहीं पर। सो स्टार्ट में बकरे दिख जाएंगे। ओके सो जैसे आपने बताया कि आप दिन में अवेलेबल नहीं होते, तो इधर देखने आना है तो वो टाइमिंग क्या होगा भाई? अगर रात में मेरे से मिलना है पर्सनली तो रात में 8 के बाद, और खाली बकरे देखना है तो कॉल करके मैं एडजस्ट करा सकता हूँ। ओके और संडे आप फुल डे अवेलेबल हो? फुल डे अवेलेबल जी जी। ओके सो मोबाइल नंबर आपका कौन सा डालना है? मोबाइल नंबर वही पुराना, जो पुराना है 7244944 जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जजाकल्लाह खैर। दोस्तों आपने देखा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे क्यूट जो होता है, बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। सो जो कोई भी लेने में इंटरेस्टेड है भाई को कांटेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों ऐसी और वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा चाहता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।